हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड से रिलेटेड है, जिसको मैं प्यार से लिजेंड बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान है वो दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपका सेंट्रल मेटल होगा जो 99% डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। उसके बाद उस एलिमेंट को छोड़ करके जो भी मॉलिक्यूल्स बचा या आयंस बचे जो लोन पर डोनेट कर सकते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे लिगेंड होंगे। तो लिगेंड आप कैसे पहचान लोगे? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले होंगे मेटल को छोड़ करके, बाहर वाले लिगेंड में काउंट नहीं होते हैं। तो इसलिए लिगेंड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विच कैन डोनेट लोन पेयर, या तो वो लोन पेयर डोनेट करे या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसको लिगेंड बोलेंगे। पहचान स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू कि पॉलीडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे। तो देखो पॉलीडेंटेड मतलब एक से ज्यादा डोनर साइट। तो जब भी एक से ज्यादा डोनर साइट एक ही मॉलिक्यूल में होगा तो जब वो डोनेट करेंगे तो ऑलवेज एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो जो रिंग बननी चाहिए वो 5 मेंबर की बननी चाहिए या 6 मेंबर की, तभी आप पॉलीडेंटेड बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इथाइलिन डायमिन लिया, तो देखो ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन मेटल को। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 पांच मेंबर की रिंग बन रही है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा पॉलीडेंटेड लिगेंड है। और पॉली में कैसा है, दो लोन पे डोनेट कर रहा है तो बाइडेंटेड बोलेंगे, तीन करता है एट ए टाइम तो ट्राई, चार करता है तो टेट्रा। तो पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एसीटेट आयन है तो यहाँ पे भी दो डोनर साइट है, बट अगर ये दोनों डोनेट करे तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 चार मेंबर की रिंग बन रही है जो कि स्टेबल नहीं होती है। इसलिए सिर्फ 5 या 6 मेंबर की रिंग डोनेट करने के बाद एक क्लोज स्ट्रक्चर 5 या 6 का बने तभी उसको पॉलीडेंटेड बोलेंगे, अदरवाइज उसको पॉलीडेंटेड नहीं मानेंगे, मोनोडेंटेड मानेंगे। तो इसलिए ये पॉलीडेंटेड नहीं है, ये मोनोडेंटेड है, जबकि ये पॉलीडेंटेड है। और पॉली में कैसा है, बाय, क्योंकि दो लोन पे डोनेट कर रहा है एट ए टाइम, तीन करता तो ट्राई, चार करता तो टेट्रा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, जब 5 या 6 बनेगा तभी पॉलीडेंटेड, अदरवाइज नहीं होगा। और ऑलवेज एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डोनर साइट होगी, तो जब वो मेटल को देंगे तो जो एक साइड से ओपन था स्ट्रक्चर वो क्लोज हो जाएगा, तो ऑलवेज एक क्लोज रिंग बनेगी। पॉइंट नंबर 3, एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड को आप कैसे पहचानेंगे? वेरी सिंपल, इसमें एक से ज़्यादा डोनर साइट होगी बट एट ए टाइम कोई एक ही साइट डोनेट करेगा, बट एट ए टाइम ओनली वन साइट कैन डोनेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड आयन, तो साइनाइड कैसे बना होगा, HCN, ये वाला H और ये वाला C का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो C ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और H का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, राइट, तो ये निकल गया, तो C पे क्या आ गया, माइनस। तो अब इसमें देखो कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, बट एट ए टाइम कोई एक ही करेगा। सर दोनों क्यों नहीं कर सकता? अगर दोनों करेगा तो ध्यान से देखो 3 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3, जो कि अनस्टेबल है। तो इसीलिए एम्बीडेंटेड में एक से ज़्यादा डोनर साइट है बट एट ए टाइम कोई एक ही करता है, बट जबकि पॉलीडेंटेड में एक से ज़्यादा डोनर साइट है और एट ए टाइम सब डोनेट करेंगे, तो दोनों में बिग डिफरेंस भी यही है, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ पूछे नहीं पूछे आपको ये निकाल ही देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का। कैसे निकालेंगे? सारे ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज का सम किसके बराबर हो जाएगा? जो चार्ज होंगे कंपाउंड पे। सिंपल बेसिक फार्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल द चार्जेज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का भी निकालना हो तो वेरी सिंपल, आपको देखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, वो नंबर आपको पता लग जाएगा लिगेंड के बाहर क्लोज स्ट्रक्चर में लिखा होगा कितने नंबर हैं, वो इनटू उसकी डेंटिसिटी जो अभी हम बात करेंगे, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, जो कि 99% क्वेश्चन में आइदर 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में 4 या 6 का पढ़ना है, बट जरूरी नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डेट्स ओके। तो निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ लिगेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंटिसिटी से। तो ये 5 पॉइंट एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, इस पे बेस मैं एप्लीकेशन लेकर के भी समझाऊंगा।
तो जैसा आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट लिगेंड है, तो जितना लिगेंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस उतना ही आपको जानना है, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतने ही लिगेंड को ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखो, मैंने लिगेंड के फॉर्मूला लिखा है, उस पर कितना चार्ज है, डोनर आइटम कौन है, क्या वो रिंग या चिलेटिंग लिगेंड के अलग है कि नहीं, एम्बीडेंटेड होगा कि नहीं, आयु पैक नेमिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, तो आयु पैक नेमिंग क्या होगा वो हम देखेंगे, और सम ऑफ द एक्सप्लेनेशन कैसे वो आया। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, वन NH3 राइट, तो इस पे चार्ज जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है। डोनर आइटम डेफिनेटली नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो कभी हो नहीं सकता, उसके पास लोन पेयर है नहीं, ये रिंग नहीं बनाएगा इसलिए चिलेट नहीं हो सकता, इसमें एम्बीडेंट की बात नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दो डोनर साइट नहीं है, एक ही डोनर साइट है। इसका नाम आयु पैक में ध्यान देना है, अमाइन लिखना है डबल एम के साथ, ध्यान दे डबल एम के साथ अमाइन बोलना है, क्लियर है। दूसरा है लिगेंड हमारा वाटर H2O, अगेन न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल लिगेंड कहलाएगा ये सब, चार्ज जीरो है, डोनर आइटम ऑक्सीजन है, चिलेट या फिर एम्बीडेंट तो होगा नहीं, कट है मतलब ये नहीं है, और इसका नाम रहेगा एक्वा, इसको बोलेंगे आयु पैक में एक्वा। नेक्स्ट थर्ड जो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अगेन न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बन डोनर है, अगेन चिलेट या एम्बीडेंट तो होगा नहीं, राइट, और इसका नाम रहेगा कार्बोनिल, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चौथा हमारा PPH3, तो ये कैसे बना, तो विनो PH3, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन, तो तीनों हाइड्रोजन हटा करके आपने बेंजीन रिंग लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, जो यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट, अगेन इस पे चार्ज जीरो होंगे, डोनर आइटम फॉस्फोरस होगा, और ये चिलेट या एम्बीडेंट नहीं होगा। जो नेक्स्ट है डेट इज 5 CH2NH2, तो इस पे भी चार्ज जीरो है, न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, दोनों डोनर आइटम नाइट्रोजन है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दो डोनर आइटम है, इसलिए अब ये चिलेट बनाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, जब दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे एट ए टाइम, तो पांच मेंबर की रिंग बनेगी, पांच या छह स्टेबल होती हैं, तो इसलिए ये चिलेटिंग लिगेंड में आ जाएंगे या रिंग वाले में आ जाएंगे, एम्बीडेंट नहीं होंगे। नाम क्या हो जाएगा, 1-2, 1 पे भी अमाइन है, 2 पे भी, तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो इथेन 1,2-diamine, तो इसका नाम होगा इथेन 1,2-diamine, ध्यान से देखना, फिर से डबल एम है, AMINE मत लिखना, कई बार आयु पैक में इसमें भी फंसाया है। एंड लास्ट एक और न्यूट्रल NO, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर है, एम्बीडेंट या चिलेट तो नहीं होगा, इसका नाम होगा नाइट्रोसिल, और इसमें भी एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको लिगेंड 6 क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट एक्स माइनस डेट मीन्स हेलोजन कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो होगा वो डोनर हो जाएगा, -1 चार्ज होगा, चिलेट तो नहीं होंगे, एम्बीडेंट नहीं होंगे, राइट, और नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना जहाँ पे भी लास्ट में ई वर्ड आए तो ई को रिप्लेस कर देना किससे, ओ से, जैसे क्लोराइड होता है तो क्या बोलेंगे, क्लोरीडो, या फिर इसका एक और नाम चलता है क्लोरो, तो ध्यान देना लास्ट में ई को रिप्लेस कर देना ओ से। सिमिलरली साइनाइड, तो ई आ गया तो ओ कर देंगे तो साइनाइडो भी बोल सकते हो, या साइनो भी, या साइनेटो भी, राइट, ये सब नेम चलते हैं। तो इस पे -1 चार्ज है, इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी, और नाइट्रोजन भी कर सकता है, चिलेट तो नहीं होंगे बट एम्बीडेंट होंगे, राइट, और आप कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से देखो, आप नाम रखना साइनो या साइनेटो, उसके बाद अगर एन डोनर होगा तो साइनो एन, और अगर कार्बन डोनर होगा तो साइनो सी, आईयूपीएसी नेम में। और आपको कैसे पता लगेगा, तो मेटल के सामने कौन आ रहा है, जैसे यहाँ पे मेटल के सामने सी आ रहा पहले, तो ये साइनो सी हो जाएगा, यहाँ पे मेटल के सामने एन आ रहा पहले, जो मेटल से पहले सामने में आएंगे तो वो जाएगा, तो यहाँ पे साइनो एन होगा, यहाँ पे साइनो सी होगा, ये एम्बीडेंट है, ध्यान रखना। वैसे ही NO2- माइनस में -1 चार्ज, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों डोनर हो सकते हैं, राइट, दोनों के पास लोन पेयर है, तो इसलिए एम्बीडेंट तो होगा, नाइट्राइट से ई हटा करके नाइट्रीटो, नाम क्या रहेगा, नाइट्रीटो एन या नाइट्रीटो ओ, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन सामने में है मेटल से तो नाइट्रीटो एन बोलेंगे, ऑक्सीजन होता तो नाइट्रीटो ओ, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। सिमिलरली थायोसाइनाइड, तो थाया साइनेटो, सल्फर आ जाएगा तो थायो साइनेटो,
तो यहाँ पे भी माइनस वन चार्ज है। सल्फर या नाइट्रोजन दोनों डोनर हो सकते हैं, एम्बिडेंट हो गया ये भी। अब जैसे यहाँ पे सल्फर को सामने किया है तो क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो एस, और अगर नाइट्रोजन को सामने करते थे थायोसाइनेटो एन। नाम यही रहेगा सिर्फ, कौन डोनेट कर रहा है उसको आपको बता देना है। नेक्स्ट ओ एच माइनस, माइनस वन चार्ज, ऑक्सीजन डोनर, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इसको हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं, या हाइड्रोक्साइड से ई हटा करके हो तो हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं। एंड वैसे ही एस माइनस टू, माइनस टू चार्ज हो गया, सल्फाइड, सल्फर डोनर, तो सल्फाइड का ई हटा करके हो तो सल्फीडो। तो ये हो गए 12 आपके लिगेंड जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑक्सीलेटो, इसको ऐसे भी लिख सकता है C2O4-2 या OX लिख के दे देगा, इस पर माइनस टू चार्ज है, दोनों डोनर आइटम देख सकते हो ऑक्सीजन है, चिलेट बनाएगा, ये रिंग बन जाएंगी 5 मेंबर की, ऑक्सीलेटो आयुपैक नेमिंग होगा, और ये किससे बना, ऑक्सैलिक एसिड से, दोनों हाइड्रोजनों को हटा करके। सिमिलरली एसिटिक एसिड से एसिटेटो, तो ओ ए सी भी लिख सकता है ओ, और इसको पूरा एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ओ ए सी, माइनस वन चार्ज, ऑक्सीजन डोनर, ये चिलेट तो नहीं बनाएगा, एम्बिडेंट भी नहीं होगा, एसिटेटो नाम हो गया, एसिटिक एसिड से बना है। और वैसे ही अमीनो एसिड वाले, तो ये ध्यान से देखो, अमीनो एसिड में क्या होता है, एक एसिड ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप, तो एक नाइट्रोजन डोनर है, और ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये माइनस, तो ऑक्सीजन डोनर है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर है, वो है छटने वजह से माइनस वन चार्ज है इसमें, तो इसको सिर्फ जी एल वाई लिख देगा आपको लिगेंड में, तो समझ जाना है ग्लाइसिनेटो है ये, नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। एंड लास्ट डेट इज वेरी वेरी बिग 16 नंबर लिगेंड, डेट इज इथाइलिन डाइएमाइन, ध्यान देना यहाँ पे एक ही एम है, टेट्रा एसीटेट। तो ये कैसे बना, वेरी सिंपल, इथीन था राइट, उसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके दो एनएच टू लाए, तो इथाइलिन डाइएमाइन बना, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके एसीटेट लाया, CH3 C डबल बॉन्डो और O माइनस एसीटेट लाया, तो कितने हैं ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इसलिए टेट्रा आया, एसीटेट आया। डाइएमाइन क्यों, क्योंकि दो नाइट्रोजन है राइट, और इथाइलिन, तो यहाँ से इसका बना है। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में EDTA लिख के देगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्ज कितना है देख सकते हो, माइनस फोर का चार्ज है, चारों ऑक्सीजन है इसमें राइट, डोनर आइटम टोटल 6 हैं जिसमें से दो नाइट्रोजन है आपका और चार ऑक्सीजन है, ये पूछा जा सकता है, ये रिंग बनाएंगे राइट, तो चिलेटिंग लिगेंड है ये पूछा जा सकता है। इसमें तीन रिंग एक प्लेन में बनेंगी और दो रिंग आउट ऑफ प्लेन, कैसे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर जो मेटल को वो देगा यहाँ से राइट, तो चार sp3 में दो ही बॉन्ड एक प्लेन में हो सकता है, तो अगर मैंने ये वाला माना और ये वाला, तो ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे, इसलिए ये दोनों, और सिमिलरली इधर से ये वन, तो ये एक रिंग बना, एक इससे एक रिंग बनेगी और एक इस वाले से एक रिंग बनेगी, तो तीन रिंग ये जो एक प्लेन में होंगी, इस वाले का एंड इस वाले का रिंग आउट ऑफ द प्लेन होकर के आएगा, तो इसलिए टोटल 5 रिंग बनेंगे जिसमें से तीन एक प्लेन में, दो आउट ऑफ प्लेन होंगे। कभी भी किसी भी लिगेंड में कितना रिंग बनेगा वो कैसे, सिंपल स्ट्रिक्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू उसकी डेंटिसिटी कितना है, -1, जैसे यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी कितना है, 6 एट ए टाइम 6 लोन पर डोनेट कर सकता है, -1, तो कितना हो गया नंबर ऑफ रिंग, 5, जो आप देख सकते हो। और कहीं कहीं पर पाई बॉन्ड डोनेट हो सकता है अगर लोन पर नो, जैसा कि एल्कीन इसका एग्जाम्पल एथीन, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड डोनेट हो सकता है। तो ये इतने लिगेंड आपको ध्यान रखना है। नाउ एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में BF4- में कोवेलेंसी, डैट मीन्स कितना बॉन्ड बना है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे बोला था, ध्यान से देखो, इसका नहीं मालूम है तो X फ्लोराइड का आपको लिगेंड में बता रखा हो, तो प्लस 4 है इनटू इसका होता है -1, और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पे क्या दिख रहा है, -1, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोवेलेंसी 4 फ्लोरीन, चारों सिंगल डोनर है राइट, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो कोवेलेंसी हो जाएगा 4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन गिवन थे, किसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है ऐसा पूछा गया, ऑक्सीलेट चिलेटिंग है, EN चिलेटिंग है, वाटर मोनोडेंटेड है, तो इसी में एम्बिडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NCS एम्बिडेंट है, यहाँ पे NO2 एम्बिडेंट है, यहाँ पे भी NO2 और NCS एम्बिडेंट है, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, CO न्यूट्रल लिगेंड है राइट, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा Fe पे, यहाँ पे वेनेडियम का निकालोगे तो 2+ है और ऑक्सीजन का 2-, तो
तो आप कैसे लिखेंगे, x माइनस टू इंटू वन, टू इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन का माइनस 6, तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस 6, टोटल सम करना है तो कितना हो गया आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड कितने हैं, तो ये तो नहीं होता इथिलीन डायमिन, HCN होगा, आइदर सल्फर डोनर या नाइट्रोजन डोनर, कितने नंबर दिख रहे हैं 4, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सेम वाइज सोडियम फर्स्ट ग्रुप का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नहीं मालूम है तो x सम ऑफ ऑल चार्जेज इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, इसका बाइपिरिडीन न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है तो 0, Cl का माइनस 1 होता है, 4 Cl है तो माइनस 4 इज इक्वल टू चार्ज दिख रहा है नहीं 0, तो x कितना हो गया यहाँ से 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपको 3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड, बाइपिरिडीन एक लिगेंड है इनटू डेंटिसिटी, देखो ध्यान से दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, 5 मेंबर की रिंग भी बन जाएंगी, तो इनटू डेंटिसिटी 2 प्लस Cl मोनोडेंटेड राइट, और 4 है तो 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 6, तो टोटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 9। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 में इस कंपाउंड में Ag के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, तो ध्यान से देखो अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, इसके बारे में आपको मालूम है इस पर माइनस 1 होता है, 2 हैं तो माइनस 2, तो Ag पे अगर मैं प्लस 1 लूँ तो राइट, वैसे भी Ag पे प्लस 1 होता है तो इस पर माइनस 1 आ जाएगा, और इस पर माइनस 1 है तो इस पर प्लस 1 आना चाहिए, तभी दोनों कनेक्टेड होंगे चार्ज होगा, तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो जो भी प्लस 1 है वो किसका है Ag का, तो Ag यहाँ पे दोनों में ही किस में है प्लस 1 में, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2। तो ये सारे PYQ हैं जो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कितना EN रिक्वायर्ड होगा फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ NH3, तो यहाँ से ध्यान से देखो EN जो होता है वो बाइडेंटेट होता है, एक बार में दो देगा, और जो अमोनिया है आपका डैट इज अमाइन, तो ये मोनोडेंटेट है, तो ध्यान से देखो 4 है ये, तो इसके कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे 2, दो इथिलीन डायमिन लोगे तो 4 अमोनिया को वो रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो आंसर हो जाएगा 2। EDTA में कितने कोऑर्डिनेशन साइट है ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में, तो यू नो 6 हैं, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, इथिलीन डायमिन टेट्राएसीटेट। क्वेश्चन नंबर 9 में इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 सोडियम है तो 4 प्लस, इसका नहीं मालूम है तो x, CN का माइनस 1, 5 है तो माइनस 5, NOS का माइनस 1 होता है राइट, तो आप निकाल सकते हो पहले वाले में 4 प्लस x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना हो गया ध्यान से देखो 2, तो यहाँ पे आयरन प्लस 2 में आपका, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप कैसे 4 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया 4 राइट, और यहाँ पे CO न्यूट्रल लिगेंड है कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे 0, तो टोटल सम कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 4 प्लस 2 डैट इज 6, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6। क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, तो Cl मोनोडेंटेट है तो 1, इथिलीन डायमिन बाइडेंटेट है तो 2 to the 4, तो आपको क्या ट्रिक बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी प्लस नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, सबको सम कर दो तो कितना आ गया आंसर 5। इसमें अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड ध्यान से देखो 3 और डेंटिसिटी इसका ऑक्सीलेट है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो पहले वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, दूसरे वाले में 6। एक क्वेश्चन किस टाइप से बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देगा, मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 6, बट एफ ब्लॉक उससे ज़्यादा बना सकता है, टोटल डोनर आइटम काउंट करो 1, 2, 3 नाइट्रोजन का लोन पेयर 4, 5, 6, 7, 8, तो एफ ब्लॉक की मैक्सिमम डेंटिसिटी क्या हो सकती है 8 तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है ये देकर के इसकी डेंटिसिटी कितना होगा, तो ध्यान से देखो ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, इसमें कोई है ही नहीं लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है, तो 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन से डेंटिसिटी कितना हो गया 4। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 13 में थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड ध्यान से देखो 4 इंटू डेंटिसिटी ऑक्सीलेट है बाइडेंटेट तो 2 प्लस वाटर के नंबर 2 मोनोडेंटेड है तो 1, तो कितना हो गया आंसर 10। तो ये सब पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ये कंपाउंड गिवन था 3,
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का बताना है। तो यहाँ पे वाटर न्यूट्रल हो गया, क्लोरीन पे एक माइनस होता है तीन क्लोरीन, तो तीन माइनस, तो क्रोमियम पे प्लस थ्री होगा। तो थ्री वाले ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, सारे हैं। दूसरे वाले में C6H6 बेंजीन न्यूट्रल लिगेंड हो गया, राइट, कोई चार्ज नहीं, तो क्रोमियम जीरो में होगा। तो जीरो वाले ये हैं और ये हैं, तो इसलिए ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका दो प्लस हो जाएगा, क्रोमियम का नहीं मालूम है, तो एक CN का माइनस दो हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ब्रैकेट में टू है, मतलब ऑक्साइड आयन है, राइट। तो कितना लिखोगे, टू टाइम्स ऑफ माइनस टू, और यहाँ पे दो ही हैं, तो प्लस माइनस टू, अमोनिया का क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो सिक्स आ जाएगा आपको, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट कि कैनॉट एक्ट एज लिगेंड, तो लिगेंड का काम कौन नहीं कर सकता, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी सब कर सकता, राइट। प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में है, क्रोमियम, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का माइनस टू, दो ऑक्सीजन है तो माइनस फोर, एक सीएल का माइनस वन, दो ऑक्सीजन है तो माइनस टू, तो यहीं पे क्रोमियम प्लस सिक्स में ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में यहाँ पे देख सकते हो प्लस थ्री में आएगा, यहाँ पे भी प्लस थ्री में, यहाँ पे मैंगनीज को प्लस सेवन में, राइट। 17 में इस टाइप से दे दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड दो, डेंटिसिटीज का दो, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है कुछ तो वन, और डेंटिसिटी दो, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए आपको वो सारे टेबल याद करवाया। ये ऑक्सीलेट माइनस टू होता है, NO2 पे माइनस वन, तो टोटल माइनस थ्री है, तो एलिमेंट पे कितना होना चाहिए, प्लस थ्री, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 में ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड, दो क्लोरीन पे दो माइनस, यहाँ पे एक प्लस है, राइट। तो कैसे लिखते हैं, x इसका तो जीरो ही हो गया, माइनस टू इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल वन, तो x कितना हो जाएगा, थ्री, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका थ्री। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, चार ऑप्शन गिवन था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, राइट, ये आपको बता रखा हूँ पॉइंट में। इसमें अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, एक पोटेशियम का एक प्लस, चार पोटेशियम है तो चार प्लस, निकल का नहीं मालूम है एक्स, सी एन का एक माइनस होता है, चार सी एन है तो माइनस फोर, चार्ज मॉलिक्यूल पे कुछ नहीं दिख रहा है तो जीरो, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, जीरो, डेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारे पी वाई क्यू थे जो आपको मैंने सॉल्व करके बताया अपने ट्रिक से। जाते जाते ज्ञान की बात, और वेरी सिंपल है ये, होमोलिप्टिक का मतलब सारे लिगेंड सेम होना चाहिए, और हेट्रोलिप्टिक मतलब एटलीस्ट वन लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे देगा, विच इज होमोलिप्टिक, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो, सारे के सारे लिगेंड अमाइन है, तो यही हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, इसमें भी दो डिफरेंट है, अमोनिया एंड क्लोरीन, इसमें भी दो डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट है तो हेट्रोलिप्टिक, और अगर सेम है तो होमोलिप्टिक। एंड पॉइंट नंबर टू, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये पूछा जाता है, तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, जो भी सेंट्रल मेटल होगा उसका एटॉमिक नंबर, उसमें से माइनस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, विथ साइन पुट करना है, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, टू टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऐड कर देना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसको टू से मल्टीप्लाई करके ऐड। तो अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे EAN रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आता है तो नॉट फॉलो। बट ये अप्लाई किस में नहीं करेंगे, कार्बोनिल वाले, CO वाले में, CO वाले में आई इक्वल या ना है उससे मतलब नहीं है, ऑलवेज फॉलो आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि CO ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करके उसको कर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे K4FeCN6, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे प्लस टू, तो ये मेटल हो गया एटॉमिक नंबर 26, प्लस टू है तो माइनस दो कर दिया, विद साइन पुट कर करके, कोऑर्डिनेशन नंबर आप ध्यान से देखो 6 और इंटू टू, तो ये कितना आ गया ध्यान से देखो 36, जो कि आयरन का नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस हो गया क्रिप्टन, राइट, तो ये फॉलो कर रहा है ऐसा बोलेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पे निकालोगे तो आयरन आ जाएगा आपका प्लस थ्री में, तो 26 माइनस थ्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इंटू टू, तो ये आएगा 35, जो कि इक्वल नहीं आ रहा 36 के, तो हम बोलेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है। और इसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लिगेंड कौन है, कार्बोनिल, तो ऑलवेज फॉलो कर रहा है भले वो करे या नहीं करे। बाय द वे यहाँ पे 25 और इसका 5 × 2 = 10, 35 होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि फॉलो नहीं कर रहा है, वो CO यहाँ पे मैन फैक्टर क्रिएट करता है, वो खुद
जरूरत पड़ने पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर के उसको कर देगा। तो ये आपको मानना है कि ये 36 हो चुका है। तो आई होप ये लिगेंड के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के लेक्चर एकदम ईजी हैं, आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। थैंक यू।